हेलो स्टूडेंट अगेन आई वेलकम यू इन माय न्यू वीडियो एंड इन प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बॉम कैलोरी मीटर वी कैलकुलेटेड द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ बॉम कैलोरी वैल्यू ऑफ फ्यूअल सैंपल बाय द बॉम कैलोरी मीटर क्या वैल्यू आई थी हमारे पास में वैल्यू आई थी हमारे पास में कैपिटल डब्ल्यू प्लस मोल डब्ल्यू टी टू माइनस टी वन अपॉन एक्स ये है हायर कैलोरिफिक वैल्यू जो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद जनरेट की और इसमें से अगर पॉइंट जीरो नाइन एच इंटू फाइव एट्टी सेवन माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास में लोअर कैलोरिफिक वैल्यू या नेट कैलोरिफिक वैल्यू बट वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन पर्पज बिकॉज इसमें कुछ करेक्शंस हैं और उन करेक्शन को हमें क्या करना होगा अप्लाई करना होगा एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द करेक्टेड फार्मूला कैसे आएगा वो फार्मूला देखिए ये करेक्शन है जिसमें पहला करेक्शन आता है फ्यूज वायर करेक्शन तो व्हाट इज द फ्यूज वायर करेक्शन जब एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने देखा था देर आर टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स और वो जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं वो फर्दर मैग्नीशियम वायर के साथ में अटैच है और मैग्नीशियम वायर क्या करता है फ्यूल सैंपल के साथ में अटैच हो गया अब फ्यूल सैंपल को ये देखिए फ्यूल सैंपल की बर्निंग के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम वायर पहले बर्न होगा इसके बर्निंग के बाद फ्यूल सैंपल बर्न होगा क्योंकि उसको इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा बट टोटल अमाउंट जो हीट का ट्रांसफर हुआ है वाटर का वो तो थर्मामीटर ने रीड कर लिया अब उसमें तो कहीं ऐसा दिया नहीं हुआ कि भाई ये जो थर्मामीटर है उसका वो ये डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये हीटिंग इसकी है और ये हीटिंग मैग्नीशियम वायर की है तो वो तो टोटल वैल्यू हीट की रिकॉर्ड करता है और उससे हमने फॉर्मूला जनरेट किया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें तो सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है कम्बशन की वैल्यू मतलब कैलोरीफिक वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू कैसे आती है कैलोरीफिक वैल्यू हमें मिलती है जब हम उस फ्यूल सैंपल को कोई भी फ्यूल सैंपल कम्बशन करता है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है ठीक है तो ये जो बर्निंग है मैग्नीशियम वायर की ये तो कोई कम्बशन का क्राइटेरिया नहीं है तो इट मींस बर्निंग ऑफ दैट मैग्नीशियम फ्यूज वायर ये करेक्शन है एंड इट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल वैल्यू ठीक है तो मैग्नीशियम फ्यूज वायर की बर्निंग से जो भी टेम्परेचर या हीट निकलती है उसको हम माइनस करेंगे ओके क्लियर नाउ दिस द सेकंड एसिड करेक्शन नाउ व्हाट इज द एसिड करेक्शन एसिड करेक्शन क्या होता है कोई भी फ्यूल सैंपल है उस फ्यूल सैंपल में कार्बन भी अवेलेबल है हाइड्रोजन भी है सल्फ़र भी है नाइट्रोजन भी है अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है सिर्फ हम उस वैल्यू को कंसीडर करते हैं जिस वैल्यू में कंबशन के बाद में प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर क्या होता है जो नाइट्रोजन और सल्फर हैं अदर देन कम्बसन पर्पस, उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं और उन फेवरेबल कंडीशंस में क्या है सपोज नाइट्रोजन है अब ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन अवेलेबल है ऑक्सीजन भी अवेलेबल है कहाँ से आई ऑक्सीजन क्योंकि हम प्रोवाइड कराते हैं फॉर दी कम्बशन परपज तो इन सब की प्रेजेंस प्लस जब एक्सप्लोजन होता है इन दैट केस देर इज हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन इज ऑल्सो अवेलेबल तो अब ये जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन है और इन सब कंटेंट की प्रेजेंस है तो ये सब कंबाइन होकर क्या बना लिया इन्होंने HNO3 नाइट्रिक एसिड और फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो दिस रिलीज दिस मच अमाउंट ऑफ हीट ठीक है इसी तरीके से सपोज सल्फर है तो सल्फर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों की प्रेजेंस में क्या बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड टेम्परेचर और प्रेशर दो हाई है ही हमारे पास में अब इनकी रिएक्शन होगी अगेन इट विज रिलीज दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी और अब ये जो टोटल एनर्जी है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बहुत हाई अमाउंट में इसने हीट रिलीज़ किया है तो जो टोटल अमाउंट वाटर को सप्लाई हुआ था बॉम्ब कैलोरी मीटर में जो कैलोरी मीटर में पानी फिल हुआ था उस टेम्परेचर में इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो टेम्परेचर आया वो भी इंक्लूडेड है बट हमने तो क्या किया कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट की तो वो कैलोरीफिक वैल्यू ओनली कम्बशन की नहीं है वहां पर ये एसिड करेक्शन की वैल्यू भी है मतलब एसिड फॉर्मेशन की वैल्यू तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा अगेन मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल वैल्यू तो ये सब्सट्रैक्ट करने के लिए एसिड करेक्शन आ गया और दूसरा क्या आ गया फ्यूज वायर करेक्शन तो ये दोनों हमारे उस फॉर्मूला में से माइनस हो गए तब जाके एक्चुअल फॉर्मूला आएगा फिर है थर्ड वन विच इज द लास्ट वन कूलिंग करेक्शन ना वट इज द कूलिंग करेक्शन इफ द टाइम टेकन टू कूल द वाटर इन कैलोरीमीटर फ्रॉम मैक्सिमम टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर ठीक है इज नोटेड दैट इज द रेट ऑफ कूलिंग कूलिंग और ये क्या है डी टी पर मिनट एंड द एक्चुअल टाइम टेकन फॉर कूलिंग इज टी मिनट्स ठीक है रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी गई डी टी और टाइम टेकन इन कूलिंग है टी मिनट्स सो द कूलिंग करेक्शन ऑफ डी टी इन टू टी इज एडेड टू राइज इन टेम्परेचर मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ इसमें क्या हुआ था रिएक्शन हुई थी और टेम्परेचर ट्रांसफर हुआ था अब जब ये हाई टेम्परेचर है वाटर का खुद का भी कोई टेम्परेचर होगा सपोज़ रूम टेम्परेचर भी ये पे है वो तो वो रूम टेम्परेचर क्या करता है इस टेम्परेचर को इक्लिब्रियम करने की कोशिश करता है उससे टेम्परेचर क्या होगा टेम्परेचर डाउन होगा देखो सडन जब अटैचमेंट होगा मतलब मिक्सिंग होगी दोनों की इस हीट की और वाटर की तो पहले ये पानी की कोशिश करेगा इस टेम्परेचर को कम करने की और टेम्परेचर कोशिश करेगा पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने की बट ऑब्वियसली ये टेम्परेचर हाई है तो ये इसको सप्रेस करेगा और टेम्परेचर हाई हो जाएगा बट वो जो पर्टिकुलर टाइम था वो जो हीट निकली थी उसने इसको डिक्रीज़ करने की जो कोशिश की थी उससे टेम्परेचर स्लाइटली फ्रैक्शन में डाउन हो गया और इस थर्मामीटर ने वो डाउन टेम्परेचर ही रिकॉर्ड किया ठीक है तो इसलिए ये करेक्शन क्या होता है उसमें ऐड होगा समझ में आइए आपको बात कि भाई कोई भी हीटिंग एंड कूलिंग साइमल्टेनियस प्रोसेस है अगर बहुत गर्म पानी है एक बाल्टी में और एक में ठंडा पानी है आप दोनों को मिक्स करोगे तो गर्म ठंडे पानी को गर्म करने की कोशिश करेगा और ठंडा पानी गर्म पानी को ठंडा करने की कोशिश करेगा और जो स्पीड ज़्यादा होगी वो ओवरकम हो जाएगी बट वो जो बीच का जो टाइमिंग है कूलिंग और हीटिंग का उस रेट को हमें रीड करना है और वो रेट होता है कूलिंग करेक्शन उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया डेटे इन टू टी से और ये कूलिंग करेक्शन उसमें ऐड होगा अब ये जब सारे करेक्शन हो जाते हैं उसके बाद में आपको क्या मिलता है उसके बाद में आपको मिलता है फाइनल फार्मूला एंड दिस फार्मूला इज द फाइनल फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन और वो फार्मूला क्या है दिस वन कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू टी टू माइनस टी वन प्लस कूलिंग करेक्शन माइनस एसिड प्लस फ्यूज वायर करेक्शन डिवाइडेड बाय एक्स हमने ये मॉडिफाई कर दिया फार्मूला और ये फार्मूला हमको मिल गया ठीक है तो ये है एल सी वी इज इक्वल्स टू ये तो वही चीज आ गई सेम सिर्फ चेंज आया है हमारा इसमें कूलिंग करेक्शन एड हुआ है और एसिड और फ्यू वायर करेक्शन क्या हुए हैं माइनस हुए हैं और ये फार्मूला हमारा किस में काम आएगा कैलकुलेशन पर्पज के लिए एंड दिस इज द फाइनल फार्मूला सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन कमेंट मी थैंक यू